मैं आज आप लोगों को साई व्रत कैसे करें और उसका पालन विधि मैं आज बताऊंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल सस्मिता किचन एंड घर घर आना। मैं आज आप लोगों को साई व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। ये देखिए, सुबह 5 बजे जो काकड़ आरती होती है उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। काकड़ आरती सुबह 5 बजे ही किया जाता है। इस पूजा में आपको पूरा दिन भर व्रत रहना पड़ता है और दिन भर 4 बार आरती करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं मैं कैसे पूजा करती हूँ। ये देखिए, मैं साईं बाबा का एक मूर्ति ली हूँ जिसको मैं थाली पर बिठा दी हूँ। आप उस एक कलश में पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के फूल से पानी से भगवान जी को अच्छे से नहला दीजिए। ऐसे भगवान जी का स्नान हो जाता है। तो उसके बाद उसे एक अच्छे साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। उसे पोंछने के बाद इन भगवान जी का जो भी कपड़ा हो, ड्रेस हो, उनको पहना दीजिए। आप जैसे जिसे जो भी पहनाते हैं भगवान जी को पहना दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर भगवान जी को स्थापित कर रही हूँ। मैं एक पीला रंग का कपड़ा डाली हूँ, उसके ऊपर भगवान साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित कर रही हूँ। यहाँ पर जो यंत्र है बाबा का उसका रख रही हूँ। और इसके बाद मैं बाबा का एक जो टोपी है, मुकुट है, मैं उनको पहना रही हूँ। अभी मैं उनका कलश स्थापना करूँगी। मैं कर रही हूँ वीडियो के लिए, तो मैं पीतल कलश बिठा रही हूँ। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो मिट्टी का कलश बिठाएगा। तो यहाँ पर मैं कलश रख रही हूँ, चावल रख दी, चावल के ऊपर कलश में रख रही हूँ। और मैं अभी थोड़ा सा सिंदूर, हल्दी और थोड़ा सा घी लेके कलश को और भगवान जी को दोनों को मैं लगा रही हूँ। देखिए, मैं इसमें कलश में लगा ली हूँ और भगवान जी को भी लगा रही हूँ। और अभी कलश के ऊपर आम का पत्ता रख के उसके ऊपर नारियल, एक वो सालू का ना आता है, एक कपड़ा आता है सालू कपड़ा, उसको सालू कपड़ा को पहन लगा के नारियल को रखना है। साबुत नारियल रखें और उसके ऊपर फूल फूल और बेर का पत्ता और दुग्धा, ऐसे सब हमको चढ़ाना है। और इसे चढ़ाने के बाद अभी हम एक तांबा का लोटा लेंगे। तांबे के लोटे में थोड़ा सा पानी और तुलसी का पत्ता डाल देंगे। और जो भी आप मन में मानसिक किए होंगे पूजा करने के लिए, तो उस मानसिक को पूरा करने के लिए मन में स्थापित करें कि ये पूजा करना है, ये मानसिक किए हैं और 3 बार पानी डालना है कलश के ऊपर। अभी मैं एक सुपारी रख रही हूँ आम के पत्ते के ऊपर। चावल रख के मैं सुपारी रख रही हूँ। आप अगर व्रत करेंगे तो आप पान का पत्ता रखिएगा, मैं आम का पत्ता रखी हूँ। तो देखिए, और उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा के सुपारी को ऐसे वहाँ पर अपना जो भी मन में कुछ मानसिक किए होंगे तो उसको पूरा करने के लिए कलश को पास सुपारी को रखना है। अभी देखिए, मैं फूल चढ़ा रही हूँ बाबा को। बाबा को पीला रंग का फूल बहुत पसंद है। आप अगर पीला रंग के फूल का माला मिलता है तो आप चढ़ा भी सकते हैं। और ऐसे ही देखिए, मैं फूल सब चढ़ा रही हूँ। और भगवान जी को जितना अच्छे से सजाएंगे अच्छा लगता है देखने के लिए। मैं इसे इसलिए ये सब फूल ऐसे ही भगवान जी के पास रख रही हूँ। अभी मैं आरती कर रही हूँ। तो देखिए, मैं भगवान जी को दीपक दे दिखा रही हूँ और धूप भी दिखा रही हूँ। और अभी मैं सुबह 5 बजे जो भोग चढ़ा रही हूँ, तो मैं केला और बकरदाना लेके भोग चढ़ा रही हूँ। भोग चढ़ाने के बाद मैं आरती करूँगी। सुबह 5 बजे काकड़ आरती होता है, तो काकड़ आरती करूँगी। जो कि आरती बुक है, आपका हिंदी बुक में होगा, तो मैं ये काकड़ आरती कर रही हूँ।
आरती करने के बाद यहाँ पर बुक मिलता है व्रत का, तो यहाँ व्रत का बुक लेके भी आप पढ़ के कर सकते हैं। वहाँ पर आरती भी रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैं 12 बजे भगवान जी का प्रसाद चढ़ा रही हूँ, रोटी और दाल। तो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे पराठा, पूरी, सब्जी, मिठाई, जो भी है प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो ये सब प्रसाद चढ़ाने के बाद आपको आरती करना है। दोपहर में 12 बजे भी आरती होगी, तो 12 बजे भी आरती करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आरती कर रही हूँ, अभी आरती मैं कर ली हूँ। और अभी पूरा देखिए दोपहर में जो रहता है आरती हो गया है। अभी मैं जो प्रसाद चढ़ाई हूँ उसको खुद भी खाऊंगी, और जो घर के पास कुत्ते रहते हैं उनको भी आपको प्रसाद चढ़ाना है, देना है। भिखारी है तो उनको भी देना है, और गाय भी है उनको भी दे सकते हैं। तो आप इसमें से बना ले एक साथ, और खुद भी खाएं और गाय, कुत्ते या भिखारी उनको भी दें, क्योंकि भगवान जी बाबा का बहुत प्रिय है कुत्ता। तो आप अगर कुत्ते को दें तो बहुत अच्छा है, अगर और गाय और भिखारी को देंगे भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रसाद को आप दोपहर में एक साथ बना लें और सबको देकर खुद फिर खाएं। अभी देखिए शाम हो गया है, शाम के टाइम भी हमें आरती करना है और प्रसाद चढ़ाना है। तो मैं शाम को केला और बकलदाना वो जो है उसी को ही प्रसाद चढ़ा रही हूँ। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम आरती करेंगे। इसे भोग लगाना है भगवान जी को, फिर इसी को घर में सबको बांटना है, घर में जो भी मेंबर है उनको दे के प्रसाद खुद खाना है। अभी शाम का आरती मैं करूंगी। देखिए आरती हो गया है, अभी मैं जो पूजा है मेरा शाम का खत्म हो गया है, और फिर मैं रात को फिर 10 बजे फिर मैं आरती करूंगी और प्रसाद चढ़ाऊंगी। देखिए रात को 10 बजा है, रात के 10 बजे फिर हमें आरती करना है। तो इसीलिए मैं प्रसाद में चढ़ाई हूँ सूजी का हलवा, सूजी का हलवा में प्रसाद चढ़ाई हूँ, और इस सूजी का हलवे को मैं सबको घर में प्रसाद दूंगी, और सबको देने के बाद मैं खुद यही हलवा रात को खाऊंगी। अगर चाहें तो आप इसके साथ दूध भी ले सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, और ये प्रसाद सबको बांट के खुद खाना है। फिर और फिर उस रात का सेजो आरती जो रात को करते हैं वो लास्ट वाला आरती करना है, और आरती करने के देखिए ये रात का आरती खत्म हो गया है। अभी हमें जो लास्ट वाला दिन है जिस दिन आपका पूजा 5 गुरुवार किया जाता है या 7 गुरुवार को भी किया जाता है, लास्ट वाला जो रहता है 7 दिन वाला या 5 दिन वाला, उस दिन मंदिर जाना है। मंदिर में बाबा का जो मंदिर होता है आपके घर के पास अगर मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप घर में भी कर सकते हैं। लेकिन लास्ट वाले गुरुवार में जाकर भगवान जी को पूजा कीजिए और प्रसाद चढ़ाइए, और मंदिर के पास जो भी कुत्ते, गाय और जो भी भिखारी जो भी हो उन लोगों को प्रसाद जो भी बना के लिए होंगे घर में, पूरी, सब्जी ऐसा कुछ बना के ले सकते हैं, या खरीद के भी बाहर से दे सकते हैं। तो भिखारी हो, कुत्ते हो, उन लोगों को देना है, और आस पड़ोस में भी आप लोगों को बुक बांटना है और प्रसाद भी देना है। जो भी साईं बाबा का व्रत का बुक रहता है, किताब रहता है, उसे देना है, और आपका
भोग भी जो भी बनाए होंगे, पूरी सब्जी हो, वो सब लोगों को देना है। और काला चना भी प्रसाद में चढ़ता है, चना दाल जो आता है काला चना, उसको भी फ्राई करके भोग चढ़ाते हैं और सबको देते हैं। तो इस प्रकार होता है साईं पूजा। तो मैं तो इसी प्रकार साईं पूजा व्रत करती हूँ। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओम साई राम, थैंक यू।